सब्सक्राइब करें मेरी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस म्यूजिक सबसे पहले सुनने के लिए। रिलायंस जियो सेट टॉप बॉक्स के बारे में हम लोग काफी दिन से सुन रहे थे, लेकिन अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन कुछ भी नहीं आया रिलायंस जियो के तरफ से। लेकिन अभी रिलायंस जियो का सेट टॉप बॉक्स के बारे में काफी सारा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे निकल के आया है। खाली इन्फॉर्मेशन नहीं, रिलायंस जियो सेट टॉप बॉक्स का लाइव कुछ इमेजेस भी इंटरनेट पे निकल के आया है, थैंक्स टू डीटीएच फोरम, जो लोग ये फोटो पोस्ट किए थे इंटरनेट में, जहां पर पता चल रहा है ये जो सेट टॉप बॉक्स अभी टेस्टिंग मोड में चल रहा है और हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये बहुत ही जल्दी मार्केट में आ जाए और ऑफिशियली रिलायंस की तरफ से भी अनाउंस हो। और ऐसा भी सुनाई दे रहा है कि रिलायंस पहले जैसे रिलायंस जियो का 3 महीने का कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर था, वैसा कुछ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर के साथ भी लॉन्च कर सकता है, जहां पर बॉक्स के पीछे एकदम क्लियरली मेंशनड है ये सब जितने भी सेट टॉप बॉक्स है दिस इज नॉट फॉर सेल, मतलब जैसे मैंने बताया ये सभी टेस्टिंग मोड में अभी चल रहा है। जहां तक मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है, ये सभी सेट टॉप बॉक्स आपका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है इंडोनेशिया में, जैसे बॉक्स के पीछे दिखाई दे रहा है। सेट टॉप बॉक्स के पीछे जो कनेक्शन आपको मिलता है, एक आपका केबल कनेक्टर पोर्ट मिलता है, HDMI पोर्ट है, USB पोर्ट है, ऑडियो और वीडियो इनपुट आउटपुट का पोर्ट है, और जो पोर्ट दिखाई दे रहे हैं वो है इथरनेट पोर्ट, मतलब जहाँ जो ब्रॉडबैंड का जो जैक होता है वो हम लोग डायरेक्टली ब्रॉडबैंड का कनेक्शन अपने सेटअप बॉक्स के कनेक्ट कर सकते हैं। सो ये जो USB पोर्ट पीछे दिया गया, इसके साथ साथ USB पोर्ट एक सामने भी दिया गया बॉक्स के सामने, इसका मतलब डायरेक्टली आप पेन ड्राइव इंसर्ट करके आप कोई भी अपना वीडियो या फिर पिक्चर वहां पर डायरेक्टली देख सकते हैं, तो उसके लिए अलग से आपको कंप्यूटर में डालने का भी जरूरत नहीं। या फिर अगर आपके पास ऐसा कोई LED टीवी है या फिर LCD टीवी है जहां पर USB फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो ये सेटअप बॉक्स काफी काम में आ सकता है। और USB पोर्ट देने का और एक मतलब हो सकता है, आप लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, मतलब लाइव कोई भी अगर चैनल है उसको आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जैसे भी दूसरे सेटअप बॉक्स में अवेलेबल है। उसके साथ साथ जैसे इथरनेट पोर्ट दिया गया जैसे मैंने बताया, तो आप अपना डायरेक्ट ब्रॉडबैंड कनेक्शन कनेक्ट करके ऑनलाइन इंटरनेट भी एक्सेस कर सकते हैं। और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिलायंस जियो हो सकते हैं हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स या फिर अमेजन वीडियो प्राइम के तरह जितने भी ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स हैं उन लोगों के साथ कनेक्ट करें और हम लोग वो सभी वीडियोस या फिर वो सभी वेबसाइट्स हम लोग डायरेक्टली अपने सेटअप बॉक्स के एक्सेस कर पाए। इसके साथ साथ रिलायंस जियो और एक ऑफर या फिर और एक सर्विस आप बोल सकते हो लेके आने वाला है, विच इज द कैचअप ऑफर, जिसके दौरान आप 7 दिनों तक का कोई भी चीज बैक लाइव या फिर बैक स्ट्रीम करके देख सकते हैं, मतलब 7 दिनों का कुछ भी चीज अगर कोई भी चैनल पर देखना चाहे वो ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा और आप अपने सेटअप बॉक्स के माध्यम से देख सकते हैं। अभी ये कहां पर स्टोर होगा, कौन से मेमोरी में स्टोर होगा या फिर क्लाउड में स्टोर होगा कि नहीं, उसके बारे में अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। और एक जो चैनल के बारे में इन्फॉर्मेशन आया, इनिशियली हो सकता है रिलायंस जो लॉन्च हो 300+ चैनल के साथ, अब ये HD होगा या फिर नॉर्मल चैनल के साथ होगा उसके बारे में अभी तक 100% कंफर्मेशन नहीं है, उसके लिए हम लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन आज का ये इन्फॉर्मेशन देख के इतना तो लग रहा है रिलायंस जियो के साथ साथ रिलायंस का जो सेटअप बॉक्स है वो भी बहुत ही जल्दी इंडियन मार्केट में हिट करने वाला है, सो डेफिनेटली वी आर वेटिंग फॉर दैट। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, तो डेफिनेटली हिट द लाइक बटन।